आशीष भाई, जिस तरह से 22 तारीख को जो राम मंदिर का भव्य जो है प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, पूरे देश में नहीं पूरे दुनिया में ये चीज का डंका बज रहा है, क्या कहेंगे इस विषय पर? पहले तो सभी भारतवासियों को जय श्री राम। जो 22 तारीख को राम लल्ला जी का जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, तो सभी प्रदेशवासियों को और भारतवासियों को शुभकामना देता हूँ। और जो 500 साल से सुनते आ रहे थे, मेरा जन्म हुआ तब से मैं सुन के आ रहा हूँ कि राम लल्ला जी का उधर कुछ मंदिर नहीं है, कुछ नहीं है, पर अभी जो मंदिर बनने जा रहा है तो इतनी खुशी है, खुशी की लहर है कि क्या बोलूं। क्योंकि जो आज तक सुना ही था कि मंदिर बनने वाला है और मंदिर बनने जा रहा है, तो इतना खुशी से है। और सभी लोग को मैं आह्वान करता हूँ कि भाई 22 तारीख को दिवाली तो अपन मनाते ही है, पर दिवाली से ज़्यादा तो अपने को जितना हो सके हर्ष उल्लास के साथ राम लल्ला जी का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हो जाए। वहाँ नहीं पहुँच पाए तो यहाँ भी शामिल होके सभी धार्मिक कार्य में भाग लीजिए। जो राम मंदिर जो बनने जा रहा है, जो 500 साल से तो अपन तपस्या कर रहे थे, आज पूरा दुनिया में आज उनका डंका बज रहा है। जो क्योंकि आज तक ये सनातन धर्म का पहला कार्य जो हुआ है, जो नहीं था, जो आज राम लल्ला जी का मंदिर नहीं था तो आज बनने जा रहा है, तो पूरा सनातन धर्म का इतना खुशी का लहर है क्योंकि जो नहीं होने वाला था वो हो गया है। तो अभी उसमें सभी कार्य में सभी लोग को बोलता हूँ, जहाँ मिले वहाँ, टाइम मिले वहाँ आप लोग शामिल होए और हर्ष उल्लास के साथ रामलला जी का प्रतिष्ठा का भाग लीजिए उसमें। और ज़रूर अयोध्या भी जा सके तो जाना चाहिए। अयोध्या में जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्राण प्रतिष्ठा जो है वो होने जा रहा है, तो क्या कहेंगे किस तरह का आयोजन जो हो रहा है, इस पर क्या अपनी बातों को रखना चाहेंगे आप लोग? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम बता दें कि अयोध्या का जिस दिन ओपनिंग होगा 22 तारीख को, उसी दिन प्रमुख स्नेह में पीडीपीएल द्वारा पीडीपीएल के सहयोग से ये प्रमुख स्नेह में एक मंदिर बन रहा है, जिसमें कि उसी डेट को हम लोग ये उसके याद में जो है उसी डेट को ओपनिंग है इसका। 22 तारीख को कलश यात्रा है और 24 को यहाँ पे महाप्रसाद है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बता रहा हूँ, सिलवास में जितने भी लोग हैं, जो भी नहीं अयोध्या जा सकते हैं, वो यहाँ पे आए। इस मंदिर का जो ओपनिंग है भगवान राम का, और यहाँ पे भजन कीर्तन सब चलेगा, महादेव का मंदिर है, और यहाँ पे सब लोग आए जो है। यही आग्रह है हमारा कि आपके चैनल माध्यम सब लोग आए यहाँ पे पूजा करें। हर हर महादेव। जय श्री राम। जन्म जन्म मुन जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। एक बार अयोध्या जरूर जाए लोग। सबसे मैं अपील करता हूँ कि अपने जीवन में एक बार अयोध्या जरूर जाएं, सरयू नदी में स्नान करके भगवान राम का दर्शन जरूर करें। जय श्री राम। जय श्री राम। सबसे पहले हमन भाई के चैनल की तरफ से पूरे सिलवासवासियों को और पूरे भारतवर्ष को राम मंदिर के पुनः स्थापना जो होने जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 500 साल के बाद, 500 साल तक भगवान श्री राम एक टेंट रूपी एक उसमें अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन 500 साल के बाद श्री राम भगवान ने पुनः अपने घर में प्रवेश कर रहे हैं। और सबसे गर्व की बात है कि उसका साक्षी हम यहाँ पर मौजूद हैं। 500 साल पहले श्री राम भगवान 14 साल वनवास काटकर अयोध्या में वापस लौटे थे, जिसके उपलक्ष्य में दिवाली मनाई गई थी। और आज 500 साल के बाद ये सब हम लोग इस बात की साक्षी हैं कि उनको पुनः फिर उनको वापस घर में लाने जा रहे हैं। और उस दिन हर्षोल्लास के साथ हम पुनः फिर से दिवाली मनाएंगे। और एक बार फिर से पुनः पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं और पूरे स्नेह परिवार के तरफ से सभी सभी को हार्दिक बधाई। जय श्री राम। बहुत सौभाग्य जी रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इस युग में जी रहे जिसमें राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। कलयुग में सतयुग आ गया। जय जय श्री राम। जिस तरह से अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस पर किस तरह की खुशी है आप लोगों के बीच? बहुत खुशी है, और ये तो मतलब पूरे विश्व में बहुत खुशी का माहौल है, और हम लोग भी वो खुशी को बहुत ज्यादा महसूस कर रहे हैं। और उसी संदर्भ में हमने 22 तारीख का ही डेट निश्चित किया ताकि हमारा कलश यात्रा हो, और 24 को प्राण प्रतिष्ठा है। और भगवान राम तो शिव जी के आराध्य है, शिव जी भगवान राम के आराध्य है, तो हम भगवान राम के लिए भी
और भगवान शिव के लिए भी, दोनों के लिए पूजा करेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।